दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सीएमएस यूट्यूब चैनल पर। वार्षिक परीक्षा क्लास 11th का फिजिक्स का मॉडल पेपर लाए हैं। किसी भी कोर्ट का पेपर हो आपका, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अलग अलग कोर्ट के यहाँ पर पेपर आपको मिलने वाले हैं, देख सकते हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे आज के इस पेपर को। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कौन से कोर्ट के पेपर पूछे जा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उस कोर्ट के पेपर का भी सॉल्यूशन लाया जाएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, इसी यही सारे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आते हैं क्लास 11 फिजिक्स में। तो 20 नंबर के OMR के प्रश्न हैं, तो 20 नंबर को 20 नंबर के जो OMR के प्रश्न हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलना बच्चों। तो सबसे पहला है कि ग्रहों के गति के निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ग्रहों के गति के जो नियम है, जो केपलर ने 3 नियम दिए थे, उसमें कौन सी भौतिक राशि का संरक्षण होता है। एक गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी रेखीय संवेग या डी कोणीय संवेग। तो ये होता है कोणीय संवेग का संरक्षण, यानी कि ऑप्शन डी आपको लगाना है OMR शीट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान ME है तथा त्रिज्या RE है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल g और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो होता है जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर, ये होता है। अब इसका अनुपात हमें निकालना है, जी को नीचे भेज देंगे तो जी अपॉन जी जो रेशियो बन जाएगा बच्चों, जी अपॉन जी का जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा ME अपॉन RE स्क्वायर, यानी कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, ME अपॉन RE स्क्वायर, ME अपॉन RE स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाली किसी वृत्ताकार डिस्क का इसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I कितना होता है। तो जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, MR स्क्वायर होगा या हाफ MR स्क्वायर होगा या 1/4 MR स्क्वायर होगा या फिर 3/4 MR स्क्वायर होगा। तो अगर M द्रव्यमान की वस्तु है, M द्रव्यमान की एक डिस्क है जिसकी त्रिज्या R है, तो इसके व्यास के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो बच्चों निकल के आएगा 1/4 MR स्क्वायर, यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, बल या फिर कार्य। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे हम बल आघूर्ण, ठीक है। यहां पर बी वाला ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि घर्षण बल क्या है, ठीक है। घर्षण बल है, यहां पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घर्षण बल कैसा बल है, संरक्षी बल है, गुरुत्वीय उद्गम का बल है, एक छदम बल है या एक असंरक्षी बल है। तो यहां पर ये एक असंरक्षी बल है, चौथा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि 1 kW बराबर होता है, 1 kW बराबर कितना होता है। तो 1 kW बराबर होता है 746 अश्व शक्ति, ये नहीं होगा, 1 kW, 1 kW कितना होता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों 1 kW जो होता है वो 1000 W के बराबर होता है। यहां पर प्रश्न में लिखने में थोड़ी गड़बड़ हुई है, 1 kW 1000 W के बराबर होता है, लेकिन यहां पर एक अश्व शक्ति होगा और यहां पर क्या होगा, वाट होगा। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 W, ठीक है, 746 W, तब यहां पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर 1 kW तो 1000 W के बराबर होता है और यहां पर कोई भी ऑप्शन 1000 W का नहीं दिया है। तो यहां पर प्रश्न होना चाहिए था कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाता, 746 W, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है पेपर छपने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से गति करते हुए एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है या क्या कांस्टेंट रहता है। क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से गति करते हुए वस्तु के लिए क्या नियत रहता है, वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा या फिर बल। तो ये जो नियत रहता है वो होती है गतिज ऊर्जा। एक समान गति करती हुई किसी वस्तु, किसी क्षैतिज वृत्त में अगर गति कर रही है तो उसके लिए गतिज ऊर्जा की वैल्यू नियत रहती है, नहीं बदलती है, कांस्टेंट रहती है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, कि एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल वी से स्मॉल वी से घूम रहा है, पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा।
क्या होगा, v अपॉन r होगा या v स्क्वायर अपॉन r होगा, शून्य होगा या v अपॉन r स्क्वायर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, ये इसका कोणीय त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि घर्षण कोण 4/5 हो तो स्थैतिज घर्षण गुणांक का मान कितना निकल के आएगा। स्थैतिज घर्षण गुणांक का मान कितना निकल कर आएगा, 3/5, 2/3, 3/4 या फिर 4/5। अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है कमेंट करके कि यदि घर्षण कोण इतना है, 4/5 दिया हुआ है cos थीटा, तो स्थैतिज घर्षण गुणांक का मान कितना होगा, 3/5 होगा, 2/3 होगा, 3/4 या फिर 4/5। अगला क्वेश्चन है कि कौन अधिकतम है, स्थैतिज घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिज घर्षण या कोई नहीं, इनमें अधिकतम कौन सा बल है। तो यहां पर सीमांत घर्षण बल जो होगा वो अधिकतम घर्षण बल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर f बल डेल्टा t समय तक कार्य करे, यानी डेल्टा t समय अंतराल तक कार्य करे, तो बल का आवेग क्या होगा। बल का आवेग क्या होगा, m इंटू f या f इंटू डेल्टा t या f डेल्टा t इंटू m या f m अपॉन डेल्टा t। तो बल का आवेग हम जानते हैं बल गुणे समय अंतराल f इंटू डेल्टा t होता है, यानी कि b वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों की किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, जड़त्व की माप क्या होती है ये आपको बताना है। उसका भार, उसका द्रव्यमान, उसकी ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व या इनर्शिया की माप होती है, बी वाला ऑप्शन खा वाला विकल्प सही है। अगला है बच्चों की यदि किसी पिंड का संवेग यानी पी 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी या फिर 1/4 रह जाएगी। अब संवेग आप देखो P इज इक्वल टू एम वी, यानी वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग, ठीक है, और गतिज ऊर्जा 1/2 ठीक है, यानी 1/2 mv² ये होती है गतिज ऊर्जा। तो अगर हम संवेग बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कि वेग का मान 2 गुना बढ़ रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर हम वेग 2 गुना करें तो फिर संवेग भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि जब संवेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा बच्चों उसकी 4 गुनी हो जाना चाहिए थी, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, 4 गुना, लेकिन यहां पर हाफ लगा हुआ है तो यहां पर कितनी गुनी हो जाएगी, सूत्र के अकॉर्डिंग यहां पर उसकी गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है हमारे पास कि SI पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर या कोई नहीं। तो इसका जड़त्व आघूर्ण का माप जो मात्रक होगा, यहां पर बच्चों पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है दोस्तों वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, तो ए वाला विकल्प आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी के घूर्णन को, यानी कि पृथ्वी जो घूम रही है उसकी चाल बढ़ जाए तो पिंड का भार क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर चाल बढ़ेगी तो जी का मान कम हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, मतलब कि भार जो होगा किसी भी पिंड किसी भी वस्तु का वो घट जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब व्यक्ति किसी तल पर चलता है तो वो कैसी गति करता है, स्थानांतरीय गति, घूर्णी गति, दोलनी गति या इनमें से कोई नहीं। तो भाई घूर्णन तो करता नहीं है, दोलन तो करता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो स्थानांतरीय गति सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि कोणीय विस्थापन की विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन हो जाएगा, ठीक है, रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास कि कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, हम जानते हैं रेखीय v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, तो ओमेगा बराबर रेखीय वेग अपान त्रिज्या होती है, तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा या v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि घूर्णी गति का समीकरण नहीं है, यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, यहां पर 3 जो हैं ये घूर्णी गति के समीकरण हो जाएंगे, लेकिन बच्चों ये 3 बी सी और डी हो जाएंगे, लेकिन ए वाला जो है ये घूर्णन गति का समीकरण नहीं है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बच्चों बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति रेडियन स्क्वायर या इनमें से कोई। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20
में पहला ऑप्शन सही होगा न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका सही ऑप्शन निकल कर सामने आएगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन छपे होंगे, 20 नंबर के ओएमआर के प्रश्न यहां पर पूरे सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं लिखने वाले प्रश्न की तरफ। यहां पर आपको केवल दो प्रश्नों के उत्तर देना है। केपलर के ग्रहों के गति, ग्रहों की गति संबंधित नियम के आधार पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी व्युत्क्रम नियम को स्थापित कीजिए। वही वाला आपको सूत्र का डेरिवेशन करना है, लेकिन केपलर के नियम से करना है। कौन सा F बराबर कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका निगमन करना है आपको केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियमों के आधार पर। अगला है कि घूर्णन गति में बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध दीजिए तथा इसके आधार पर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट है, गा भी दिया है, सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल से एच यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जब हम जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण जी का मान पृथ्वी तल के जी के मान का 1/4 रह जाएगा, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, सदिश दिए हुए इनके बीच कोण कितना होगा। हम न्यूटन की गति के नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं ये बताना है। इसके बाद एक खुरदरे क्षैतिजी तल पे 2 m/s² की मंदन से गति कर रहा है, एक पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक क्या होगा, जी का मान 10 m/s² रखना है। अगला है कि अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक निकालना है, डेरिवेशन करना है। संरक्षी तथा असंरक्षी बल क्या होते हैं यह बताना है। उदाहरण से व्याख्या करो, इन बलों के प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा, सारी परिभाषा है, मेन सूत्र आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय लिखो तथा एम द्रव्यमान एल लंबाई की पतली छड़ के एक सिरे से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। डिस्क हो गया, लंबी छड़ हो गई, ठोस गोला हो गया, इन सभी का जड़त्व आघूर्ण आपके सिलेबस में अच्छे से समझ के जाना, पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की 2 सदिश A और B दिए हैं, वेक्टर इनका योग और अंतर का परिणाम बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए और बी परस्पर लंबवत हैं, यानी कि 90 डिग्री पर हैं। अगला है कि हमारे पास की सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि किसी गतिशील प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई h हो तो उसका प्रक्षेपण कोण u जो होगा वो कितना होगा, u बराबर √2gh/sin θ होगा, इतने के बराबर सिद्ध करना है। तो ये पूरा पेपर था, लिखने वाले प्रश्न थे बच्चों और बाकी ओएमआर के थे। लिखने वाले भी मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है और जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी इंटरेस्टेड हैं, सिंपल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। सब तैयार करके जाना, कोई भी कोर्ट का पेपर हो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे वार्षिक परीक्षा में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड का ये पेपर है। अलग अलग कोर्ट के पेपर लाते रहेंगे, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सभी कोर्ट के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो।